हेलो माय यूट्यूब एंड फेसबुक फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल अल्टीमेट मोटर ब्लॉग में। और आज मैं लेकर आ चुका हूँ 2024 मॉडल हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक मॉडल का रिव्यू, जो कि रहने वाला है डिस्क ब्रेक के साथ। ये नॉर्मल एक्सटेक नहीं है, इसमें डिस्क ब्रेक आप देख सकते हैं जो कि इंस्टॉल हो चुका है कंपनी की तरफ से ही भाई, क्योंकि अब 100cc में सबसे पहली बाइक बन चुकी है स्प्लेंडर जो कि डिस्क ब्रेक के साथ में आ रहा है। प्राइस भी कितना पड़ रहा है, मैं भी हूँ चंदा मामा हाजीपुर वैशाली बिहार में। शोरूम का सारे डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे इसका प्राइस पड़ रहा है 99,830 रुपये, यानी कि लगभग 1,00,000 पहुँच ही चुका है। 70 रुपया कम है तो उसको क्या मायने रखता है, 170 रुपया ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लगभग समझ लीजिए 1,00,000 है ही है। तब स्प्लेंडर का भी भाई 1,00,000 प्राइस हो चुका है। उस हिसाब से कंपनी फीचर्स भी दे रही है, जैसे कि आप ये ग्रैब हैंडल देखते हैं, ये पहले आप अलग से इंस्टॉल करवाते थे, अब वो आपको कंपनी दे रहा है जो कि इसका लुक को इन्हेंस कर देता है। स्प्लेंडर को आप मायने नहीं समझिए, आप नॉर्मल, इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है लोगों में। ये 20 साल से लगभग लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। हीरो का इकलौता बाइक है ये जो इतने लंबे टाइम से चल रहा है, और इसके सेल पर अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक यही है, चाहे वो आप किसी भी कंपनी का सेल देख लीजिए, आप उठा के इसके जितना बाइक कोई नहीं सेल करता है। इसका इतना ज़्यादा आपको मॉडल मिल जाएगा, नॉर्मल मॉडल, डिस्क वाले मॉडल, आपको DRL वाले मॉडल, नॉर्मल DRL वाला मॉडल, तो ये हर चीज़ है। और प्राइस का भी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, सब में आपको 2,000, 1,000, 1,500 यही प्राइस डिफरेंस आएगा। ये बाइक अभी अंदर में लगा हुआ था तो मैं इसको जस्ट धुलवाया हूँ और इसको बाहर लगवा के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत इधर उधर पानी नज़र आएगा तो उसको इग्नोर करके चलिएगा, क्योंकि भाई शोरूम पर है और हीरो के शोरूम पर ऐसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, तो वहाँ पर रुक के सब कुछ करना ज़्यादा पॉसिबल नहीं, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। बाकी कंटेंट का मज़ा लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले इसके फ्रंट डिज़ाइन से ही। तो यहाँ पे आप देखते हैं काफ़ी सिंपल सा यहाँ पर आपको लुक मिलता है, और इससे बोर भी नहीं होइएगा। इतना पुराना होने के बावजूद भी इसका लुक ऐसा है कि आज भी लोग इसके लुक से बोर नहीं हुए हैं, इतना नया लुक आपको मिल जाता है। और यहाँ पर आपको मिलता है LED बल्ब के साथ में, आपको यहाँ पर DRL, जी हाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर LED बल्ब है और यहाँ पे आपको DRL मिल जाता है। यहाँ पे आपको नॉर्मल इंडिकेटर मिलेगा हैलोजन बल्ब के साथ ही। खास बात है कि इसमें रबर है तो फ्लेक्सिबल आपको मिलता है, जो कि जल्दी टूटेगा नहीं, ये चीज़ बढ़िया है। हीरो स्प्लेंडर प्लस की आपको स्टिकरिंग यहाँ पर मिल जाएगी, नंबर प्लेट के लिए आपको यहाँ पर जगह है, और ब्लैक पर ये फिनिश अच्छा लग रहा है स्टिकरिंग का, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हल्का हल्का टचअप दिया हुआ है जो कि इसको लुक को इन्हेंस करता है, प्योर ब्लैक नहीं है। मडगार्ड पे आते हैं तो यहाँ पर आपको फाइबर का ही मडगार्ड मिलेगा, ये मेटल का नहीं मिलता है, फाइबर का ही है और काफ़ी लंबा है, तो कीचड़ वगैरह पड़ने का भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे डिस्क ब्रेक पे आते हैं तो आपको इंड्योरेंस का डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, यहाँ पे ABS वगैरह नहीं है इसमें। 100cc में डिस्क ब्रेक कंपनी दे रही, वही बड़ी बात है, अभी तक तो कोई कंपनी ने नहीं दिया था, फर्स्ट कंपनी हीरो बन गई है डिस्क ब्रेक देने वाली। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और टायर साइज़ की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर 80x100x18 का आपको टायर प्रोफाइल रहने वाला है, जो कि ट्यूबलेस मिलेगा दोनों में आपको। यहाँ पे देखते हैं लेगर्ड लगा हुआ है पहले से ही। मिरर का क्वालिटी देखते हैं तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सा रखा गया है जो कि पहले से ही आता है वही सेम। यहाँ पे प्रोग्रामर वाई FI, क्योंकि अब सब बाइक FI के साथ ही आती है, तो पूरा फ्यूल ख़त्म नहीं कीजिएगा, 1 लीटर इसके रिजर्व में रहता है, उतना तो मेनटेन करके जरूर चलिएगा, नहीं तो आपका फ्यूल पम्प ख़राब हुआ तो मोटा खर्चा आने वाला है। बाकी इंजन मिल जाता है आपको 97.8cc का, जो कि 100cc की बाइक है, पावर निकाल के देता है 7.9 BHP का पावर और 8.5 Nm का ये टॉर्क निकाल के देता है, तो 100cc की बाइक सब क्या ही उम्मीद कीजिएगा, लेकिन फिर भी इसका पावर इसके बॉडी वेट के हिसाब से काफ़ी सही है। इसका बॉडी वेट की मैं बात करूँ तो 112 किलो का इसका कर्व वेट आता है, तो वेट भी ज़्यादा नहीं है और ना ही ज़्यादा इसका हाइट है, तो कम हाइट वाले लोग भी इसको काफ़ी ईजी हैंडल कर लेते हैं, और शहर में घूमने के लिए परफेक्ट बाइक है भाई, एकदम हल्का, पैर भी आपका आसानी से पहुंच जाएगा, तो कहीं पे भी बैलेंस करने में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सीट हाइट देख सकते हैं आप काफ़ी सही है, और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे कुशनिंग दिया हुआ है, कंफर्टेबल सीट है। यहाँ पे देखते हैं तो आपको रियर टायर प्रोफाइल भी मिलता है 80x100x18 का है, तो सेम साइज़ रहने वाला है फ्रंट रियर दोनों, आगे का पीछे लगा दीजिए, पीछे का आगे लगा दीजिए, बात सेम ही है टायर का। यहाँ पर ये एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपने से एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक कंपनी ऑफर करती है, साइलेंसर पे आपको क्रोम की पट्टी मिल जाएगी कवर, जो कि काफ़ी सही है। यहाँ पे आपको किक मिल जाता है, एक्सटेक की बैजिंग, स्प्लेंडर प्लस का स्टिकर, यहाँ पे i3S टेक्नोलॉजी के साथ में आता है वो भी, और यहाँ पे जो नया वाला ग्रैब हैंडल एक्सटेक में मिलना शुरू हुआ है वो
उसके साथ रियर में आते हैं तो यहाँ पे आपको बैकलाइट हाइलोजन में ही मिलेगा। नंबर प्लेट के लीजिएगा यहाँ पर रिफ्लेक्टर। और इधर साइड में आते हैं तो यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड मिल जाएगा। चैन सेटअप पूरा कवर रहने वाला है। और क्वालिटी के मैं चेक कर लूँ तो ये आपको मेटल का ही मिलता है। अभी भी बहुत बाइकों में ये आपको फाइबर में मिलेगा, लेकिन स्प्लेंडर है जो अभी तक मेटल का यूज़ कर रहा है। तो पैसा तो लगता है भाई, लेकिन क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है अभी भी स्प्लेंडर में। 112 किलो है, 100 किलो का 100 सीसी का बाइक है, उसके बावजूद भी इतना छोटा है, वेट काफ़ी सही है इसका, तो क्वालिटी में भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। साइड स्टैंड के साथ साथ आपको सेंटर स्टैंड भी मिल जाएगा, यहाँ पर सेंसर के साथ में आता है। तो जब तक स्टैंड ऊपर नहीं कीजिएगा तब तक स्टार्ट ये होने वाला नहीं है। चार ही गियर आपको मिलते हैं यहाँ पर और काफ़ी ईजी यूज होता है ये। चारों गियर आपको रियर में मिलेंगे। पैर रखने के लिए भी काफ़ी सही है। सारी गार्ड भी आपको मिल जाता है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। उसके साथ हम ऊपर में आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं मीटर कंसोल इसका। तो इसमें आपको मिल जाएगा डिजिटल मीटर, यहाँ पर चाबी संख्या लिखा हुआ है। अभी जैसे स्टार्ट किया यहाँ पर हीरो का स्टार्टिंग आ जाता है। लो फ्यूल है अभी, वो शो कर रहा है यहाँ पर। न्यूट्रल पेट्रोल का यहाँ पर इंडिकेटर, यहाँ पर साइड स्टैंड लगा हुआ वो इंडिकेटर मिल जाता है। हाई बीम के लिए आपको यहीं पर मिल जाएगा। यहाँ से आप मोड वगैरह ट्रिप वगैरह सेट कर सकते हैं, यहीं पे बटन मिल जाता है आपको। चाबी सिंपल रहने वाला है, बेसिक सा जो कि पहले से ही आता है हीरो का, वही सेम। उसके साथ आपको यहाँ पे एक USB पोर्ट मिल जाएगा फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे अपना कनेक्टर लगा के आप अपना फ़ोन वगैरह इमरजेंसी में चार्ज कर सकते हैं, या जो लोग इसको लेके डिलीवरी वाला काम करते हैं उनके लिए काफ़ी सही रहने वाला है, क्योंकि चार्जिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक फ़ोन स्टैंड लगाइए और अपना पिन लगा के अपना काम करते रहिए। यहाँ पे i3S की स्विच, यहाँ पे सेल्फ के लिए है, और डिस्क ब्रेक है। तो इसका ब्रेक मैकेनिज्म भी अब चेंज हो चुका है, देख सकते हैं आप। ऊपर में स्प्रिंग वाला आपको मिलता है। इधर साइडों में आते हैं तो यहाँ पर लो बीम हाई बीम के लिए है, यहाँ पे इंडिकेटर, और नीचे में हॉर्न, सिंगल हॉर्न मिलता है इसमें, डबल हॉर्न अभी भी नहीं मिलता है। टैंक की मैं बात कर लूँ तो ये रहने वाला है 9.8 लीटर का, जो कि माइलेज कंपनी क्लेम करता है 60 का, तो 55 से 60 के बीच में ही देता है एवरेज। अगर आप सही से चलाते हैं तो 60 प्लस भी जाएगा सिंगल राइड में, सही से चलाएँ, स्पीड मेंटेन करके चलें, क्योंकि 100 cc के बाइक अब इसको आप कान एठिएगा 60-70-80 की स्पीड में तो वहाँ पर माइलेज ड्रॉप होना ही होना है। बाकी यहाँ पर सर्विस इंटरवल पीरियड भी दिया हुआ है एवरी 6000 किलोमीटर, यानी 6000 किलोमीटर पर 6 महीना पे पोस्ट फ्री सर्विस, एक सर्विस फ्री होने के बाद। तो ये चीज़ है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात कर लें इसके प्राइस की, तो यहाँ पर अभी मैं हूँ चंदा मामा हाजीपुर वैशाली बिहार में, इनका बगल में ही महिंद्रा का भी शोरूम है, देख सकते हैं आप। और अभी आगे काम चल रहा है तो मैं इसको साइड में लेके वीडियो बना रहा हूँ। इसका प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पर रहने वाला है 99,830 रुपया ऑन रोड, जिसमें सारी चीज़ इंक्लूड है। तो आइए शोरूम विजिट कीजिए और जिनको लेना है लेके जाइए अपने घर पे, शोरूम पे अवेलेबल है। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।